अगर आपका रेसलिंग चैनल है तो आप AEW, NJPW एंड NXT की वीडियोस जरा संभाल के डालिएगा, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है। सो वेल हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रेसलिंग मोर। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि साशा बैंक्स क्यों नहीं आई रॉयल रंबल में, एंड एज की इंजरी अपडेट को लेकर भी बात करेंगे, एंड एक और सुपरस्टार जिसे इंजरी हो चुकी है, एंड एक चैंपियन जिसे 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सो लेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब स्टार्ट करते हैं चैंपियन से, कि एक चैंपियन जिसे WWE से बाहर कर दिया गया है, जिसे 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिसने वेलनेस पॉलिसी का उल्लंघन किया हुआ है, US चैंपियन अंड्राडे, जिन्होंने वेलनेस पॉलिसी का उल्लंघन किया जिसके कारण उन्हें 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बट कि रॉ में इन्हें इंजरी एंगल टाइप का दिखाया गया है, जो कि हम्बर्टो करिलो ने इनको इंजरी दी है, जो कि मैट हटा के उनको इंजरी मतलब इंजर्ड कर दिया था। सो ऐसा एंगल रॉ में दिखाया गया है। सो नेक्स्ट वन, कि साशा बैंक्स क्यों नहीं आए रॉयल रंबल मैच में। हालांकि उन्हें साशा बैंक्स को रॉयल रंबल मैच में आना था, और न ही बेली के साथ में आई, न वो रॉयल रंबल मैच में आई। सो यार, केट साइड सीट की तरफ से ये पता चला है कि साशा बैंक्स को रॉयल रंबल मैच में आना था, बट उनकी जगह केली को उनकी जगह उनके स्पॉट्स पे भेजा गया, और ये मतलब WWE की लास्ट डिसीजन थी, इसकी वजह से साशा बैंक्स को रॉयल रंबल मैच में नहीं भेजा गया। बट ये तो साशा बैंक्स के साथ बुरा है ना, क्योंकि उन्हें ना रॉयल रंबल मैच में भेजा गया, ना किसी और, मतलब उनको भेजना चाहिए था बेली के साथ में भी, या फिर कोई अच्छी स्टोरी लाइन में डाला देना चाहिए था। सो एंड नेक्स्ट वन, की एज की इंजरी अपडेट। सो यार, एज को आज की रॉ में बहुत ही ह्यूमिलेट किया गया, बहुत ही मतलब उनको ब्रूटली अटैक कर दिया गया। सो एज को मतलब अभी इंजरी अपडेट ऐसी है कि उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए ले जाया गया लोकल में से मेडिकल फैसिलिटी के लिए। सो देखते हैं उनकी कैसी इंजरी, मतलब कब तक रिकवर होते हैं, और वो कब तक बैक करते हैं, और रैंडी ऑर्टन को इसका जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। सो कब तक वो एज मतलब रैंडी ऑर्टन को अपना जवाब देते हैं। सो देखते हैं कब तक इन दोनों के बीच, मतलब स्टोरी लाइन तो एक अच्छी बन चुकी है, एंड इन्होंने मतलब एक अटैक किया, तो इसका एज जरूर बदले लेने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं कब तक एज इस बारे में बदला लेते हैं, एंड कब तक इनके बीच में अभी राइवलरी स्टार्ट हो चुकी है, और ये हिंट है कि रेसलमेनिया में इनके और रैंडी ऑर्टन के बीच में एक ग्रेट मैच देखने को मिल सकता हो। और रैंडी ऑर्टन का ये हील टर्न लिया गया, जो कि बहुत ही बेस्ट हील है, जिनको हमने सबसे ज़्यादा हील के रूप में देखा है शुरुआत से लेकर अभी तक। सो ये बहुत ही अच्छा मैच और बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है। एंड नेक्स्ट वन, कि एक सुपरस्टार जो कि इंजर्ड हो गया है, वो है समोआ जो, क्योंकि हमें ड्यूरिंग कमर्शियल जब हुआ था WWE का, तो उस टाइम जब मतलब उसके पहले समोआ जो ने एक डाइव लगाई थी, सुसाइड डाइव, जिसकी वजह से उन्हें इंजरी हो गई थी। सो इस इंजरी के कारण उन्हें वहाँ से मतलब मैच से ही हटा दिया गया, मैच से निकाल दिया गया। सो वो मैच इसीलिए केविन ओवेंस अकेले बचे थे। सो समोआ जो के इंजरी की वजह से उन्हें मतलब रेस्ट अभी दिया गया है। सो देखते हैं उनको मतलब कितने दिनों तक रेस्ट मिलता है। सो वो आई होप कि वो उनकी इंजरी ज़्यादा सीरियस ना हो, जल्दी ठीक हो जाए, एंड एज की भी इंजरी ज़्यादा सीरियस ना हो, वो भी जल्दी ठीक हो जाए। सो यार, इन दोनों को रिंग में वापस जल्दी अच्छे से देखना चाहिए। सो देखते हैं कब तक ये लोग ठीक होते हैं। सो बस यार, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।